पार्ट में स्टडी अबाउट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। लास्ट पार्ट में हमने बिगिन करा था ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमने प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में। सो इन दिस पार्ट वील स्टडी अबाउट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं विच आर द साइट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली दीज आर द साइट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट हम इन्हें ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर द बैटल ग्राउंड्स। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि यहीं पे जितना भी एंटीजन एंटीबॉडी का या जितना भी एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रैपिंग ऑफ एंटीजन्स, क्योंकि जो भी एंटीजन्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं सबसे पहले वो आ रहे हैं सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन में वो कहाँ पे इनकाउंटर हो रहे हैं? लिम्फ नोड्स में, लिम्फ ऑर्गन्स में। तो जो से लिम्फॉइड ऑर्गन्स में सबसे पहले वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो दीज एक्ट एज साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। तो ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे जो एंटीजन है वो लिम्फोसाइट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उनको इनकाउंटर कर रहे हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का एक दूसरा नाम भी होता है, हम इन्हें सेकेंडरी की जगह और क्या बोल सकते हैं? हम इन्हें सेकेंडरी की जगह बोल सकते हैं पेरीफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में थ्रू आउट द पेरीफेरी, थ्रू आउट मतलब इनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, इनकी जो लोकेशन है ये पूरी हमारी बॉडी में फैले हुए हैं। सो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पेरीफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और अगर हम बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे दो ऑर्गन्स हैं जो पेरीफेरी में, मतलब जितने दो या तीन ऑर्गन्स हैं जो हमारे पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारा लिम्फ नोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ऑर्गन्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लीन। नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएटेड में बेसिकली हम बोल सकते हैं माल्ट, गॉल्ट, और इसी के हम और वेरिएशन भी पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं माल्ट की, तो माल्ट होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स, मतलब जो हमारी म्यूकोसा लाइनिंग में प्रेजेंट है। गॉल्ट होते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स, मतलब कि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे गट में। इनके और हमें फर्दर ब्रांचेस भी और देखने को मिलते हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल कम अक्रॉस दिस। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, टू बिगिन विद द फर्स्ट ऑर्गन इज लिम्फ नोड्स। सो अगर बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, तो सबसे पहली चीज़, दीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ये किडनी शेप या बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे आर कंपोज ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क, मतलब कि इसका बहुत एक नेटवर्क बना हुआ होता है, बहुत एक ब्रांचिंग हुई हुई होती है। तो दीज आर कंपोज ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क, और इस नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, और इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे डेंड्रिटिक सेल्स। तो अगर हम बात करें कि लिम्फ नोड्स मिलते हैं कहाँ पे, तो लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारा एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है जो कि है लिम्फेटिक वेसल्स, उनके जंक्शन पे मतलब उनके हर नोड पे जहाँ पे वो मीट कर रही हैं लिम्फेटिक वेसल्स, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिम्फ नोड। और ये हमारी बॉडी में पूरे तरीके से फैला हुआ होता है, मतलब इट इज़ अ वेरी वाइड नेटवर्क। तो हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, चाहे वो माउथ से करें, नोज से करें, इवेंचुअली वो कहाँ जा रहे हैं? हमारे ब्लड में, हमारी सर्कुलेशन में जा रहा है। तो वो हमारे लिम्फ नोड्स में सबसे पहले आके एंटीजन जो है वो रिकॉग्नाइज होता है हमारे लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस वगैरह के थ्रू। सो बेसिकली दीज आर द फर्स्ट organs, these are the first organs to combat antigens that enters in the tissue spaces. तो ये सबसे पहले ऑर्गन है जहाँ पे हमारे लिम्फ नो जहाँ पे हमारे एंटीजन्स जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। अगर हम एक डायग्राम देखें, तो यहाँ पे वी हैव अ डायग्राम, ये हमारा पूरे जैसे यहाँ पर टिश्यू स्पेसेस बने हुए हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इन लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में जहाँ जहाँ पे जंक्शंस बन रही है ना बीच में, जहाँ पे जंक्शंस जैसे जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा हो गया कौन सा? लिम्फेटिक नोड्स का।
तो जैसे ये है यहाँ पे मीट करिए, तो ये जो सेंटर पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, लिम्फेटिक नोड। इसके अंदर भी बहुत सारे लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। अब अगर हम एक नोड की बात करें, एक नोड को डिटेल में देखें, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, दैट इज़ बीन शेप स्ट्रक्चर। और इसी के अगर हम अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक ब्रीफ लुक देखो, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स, मिडिल लेयर होती है पैराकॉर्टेक्स, और जो इनर मोस्ट रीजन होता है वो होता है मेड्यूला। तो फिजियोलॉजिकली हमने इसको तीन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करा हुआ है, देयर आर थ्री रीजन्स, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर ना जितने भी हमारे सेल्स है, जैसे हमने पढ़ा लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर इन द प्राइमरी फॉलिकल्स। लिम्फ नोड हैज थ्री regions, that is cortex, paracortex and medulla, which is the innermost। अब अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे सेल्स, जो हमने बात करी थी लिम्फोसाइट्स, विच आर मेनली बी लिम्फोसाइट्स। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्रेजेंट हैं डेंड्रिटिक सेल्स। तो इसका आप समझ सकते हो कि जो सबसे प्राइमरी जो एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो रहा है वो कहाँ, कौन से रीजन में हो रहा है, कॉर्टेक्स के रीजन में हो रहा है। तो कॉर्टेक्स के रीजन में ये सारे सेल्स प्रेजेंट है इन द प्राइमरी फॉलिकल्स। किस में प्रेजेंट है? प्राइमरी फॉलिकल्स, इन द प्राइमरी फॉलिकल। बट जैसे ही एंटीजन एक्सपोजर होता है, एंटीजन एक्सपोजर होता है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये चेंज होने लग जाता है और कन्वर्ट होने लग जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। वंस आफ्टर इंटरैक्टिंग विद द एंटीजन, द प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली मतलब क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होने का मतलब है नाउ इट बिकम्स लार्ज प्लस इट हैज़ डेवलप अ जर्मिनल सेंटर। तो अगर आप लिम्फ नोड्स के डायग्राम देखोगे ना, आपको कुछ डायग्राम ऐसे मिलेंगे जिसमें जर्मिनल सेंटर लेबल होगा, कुछ डायग्राम ऐसे मिलेंगे जिसमें जर्मिनल सेंटर लेबल नहीं होगा, क्योंकि जर्मिनल सेंटर वहाँ पे पहले से कोई रीजन नहीं है। लेकिन जब एंटीजन इन सेल्स के साथ फाइट करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, उस टाइम पे जर्मिनल सेंटर्स जो है वो डेवलप होते हैं। और वहीं पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग हो रही है या जो इनगल्फिंग हो रही है, जो फैगोसाइटोसिस हो रहा है, वो सारा कहाँ पे हो रहा है, जर्मिनल सेंटर डेवलप होने पे, मतलब दैट इज़ द रीजन, दैट इज़ द बैटल ग्राउंड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये था हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन। सेकेंड रीजन हमारा आ जाता है पैराकॉर्टेक्स, विच इज़ द मिडिल रीजन। तो पैराकॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है वो हमारे पास है टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, प्लस उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स कहाँ से आया है, यहाँ पे जो आसपास जो हमारे कॉर्टेक्स रीजन में या नोड्स में बाकी जगहों पे जो सेल्स थे वो सारे माइग्रेट होकर आने शुरू हो जाते हैं पैराकॉर्टेक्स वाले रीजन में। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सेल्युलर की बात करी जाए, अगर सबसे ज़्यादा सेल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें देखने के लिए मिलेगी कॉर्टेक्स रीजन में। नेक्स्ट जो हमारा इनर मोस्ट रीजन होता है वो हमारा होता है मेड्यूला, द थर्ड रीजन इज मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, अब एंटीजन प्रेजेंटेशन हो गई हमारी कॉर्टेक्स रीजन में, वहीं पे हमारे बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो खुद की, मतलब बी सेल्स की भी क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी, वो टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे, और ओवरऑल जो प्रोसेस है एंटीबॉडी फॉर्मेशन का वो हमारा बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, इनर मोस्ट रीजन में, दैट इज मेड्यूला में। तो मेड्यूला में बेसिकली क्या हो रहा है, इट हैज प्लाज्मा सेल्स विच secretes एंटीबॉडीज़। तो जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही है वो हमारी हो रही है मेड्यूला रीजन में। तो अगर हम इस ओवरऑल प्रोसेस को देखें, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि द एंटीजन इज ट्रैप प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड टू डेंड्रिटिक सेल इन द पैराकॉर्टिक्स रीजन। सबसे पहले एंटीजन ट्रैप हुआ, प्रोसेस हुआ कहाँ से, डेंड्रिटिक सेल से, फैगोसाइट से, फिर एंटीजन प्रेजेंटेशन होनी शुरू हुई कॉर्टेक्स और पैराकॉर्टिक्स रीजन में। पैराकॉर्टिक्स रीजन के अंदर तो सबसे पहले हमारी एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है, कॉर्टेक्स रीजन में। उसके बाद टी सेल्स एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। अब टी सेल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट थे, पैराकॉर्टेक्स में, तो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स ये कौन से रीजन में हो रहा है, पैराकॉर्टेक्स में, क्योंकि कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स थे वो थे बी लिम्फोसाइट्स। उसके अलावा क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स भी एक्टिव हो चुके थे, तो बी लिम्फोसाइट्स का रिस्पॉन्स, बी लिम्फोसाइट दो चीज़ें करते हैं, एक तो वो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, और दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, सिक्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज, और ये कहाँ पर हो रही है, इनर रीजन में, दैट इज़ मेड्यूला में।
तो इस तरीके से जो पूरा लिम्फ नोड है वो एक्टिव है. फैगोसाइटिक सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप बैक्टीरिया और एनी फॉरन पार्टिकल दैट इज कमिंग इन टू लिम्फ नोड. और जब वो ट्रैप हो जाएगा तो उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को होने में जो पूरा एंटीबॉडी सिक्रीट होने तक का टाइम होता है, इट टेक्स नियरली अ वीक. तो हर एक जो डिजीज, हर एक जो एंटीजन होता है उसका एक अलग टाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है या लैग पीरियड होता है. तो वो एक हर एक एंटीजन का डिफरेंट हो सकता है, नियरली 2 डेज, 3 डेज या अ वीक. और आपको ये भी ध्यान रखना है, द फ्लूइड लीविंग फ्रॉम लिम्फ नोड थ्रू लिम्फेटिक वेसल इज रिच इन एंटीबॉडीज. और लिम्फ नोड से जो फ्लूइड निकल रहा है, क्योंकि लिम्फ बेसिकली करता है, लिम्फ फ्लूइड को कैरी करता है, तो इसीलिए जो लिम्फ फ्लूइड होता है उनके अंदर एंटीबॉडीज की और लिम्फोसाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है. सो ये था हमारा पहला सेकेंडरी ऑर्गन विचार, लिम्फ नोड. नेक्स्ट अब हमारा जो सेकेंडरी ऑर्गन है वो है स्प्लीन. अगर हम बात करते हैं स्प्लीन की अगर हम लिम्फ नोड्स के अलावा या इम्यून सिस्टम के अलावा बोले तो आपको पता होना चाहिए उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा आरबीसीज डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, तो यहाँ पे मेन जो काम है वो इसका है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना. तो स्प्लीन प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी. हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है. ये एक ओवोइड ऑर्गन है, मतलब इट इज ओवल शेप्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. इसका काम क्या है, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन. तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बन रही हैं और एंटीबॉडीज सिक्रीट हो रही हैं. तो अगर हम बात करें एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, तो लिम्फ नोड्स में भी हो रही थी, वहाँ पे भी एंटीजन ट्रैप हो रहे थे, लेकिन वहाँ जो एंटीजन ट्रैप हो रहे थे वो एंटीजन थे जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन में. लेकिन स्प्लीन का क्या काम होता है, स्प्लीन फिल्टर्स एंड ट्रैप्स द एंटीजन्स दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड तो जो ब्लड के अंदर फॉरेन एंटीजन्स प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स प्रेजेंट है, उनके अगेंस्ट कौन काम करता है, उनके अगेंस्ट मेन काम करता है हमारा स्प्लीन. तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिस्टमिक इन्फेक्शंस. जो भी हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस होंगे, जैसे बैक्टीरिया में या सेप्सिस, इन सब चीज़ों में, इन सब केसेस में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो कौन होता है, हमारा स्प्लीन. अब स्प्लीन को अगर हम मॉर्फोलॉजिकली या उसका फिजियोलॉजिकली देखें तो स्प्लीन को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं. स्प्लीन एक होता है स्प्लीन का रेड पल्प और एक हम इसका होता है वाइट पल्प. तो बेसिकली स्प्लीन भी हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन है और इसके 2 रीजन्स हमारे पास हैं, एक है हमारा वाइट पल्प और एक है हमारा रेड पल्प. अगर हम बात करते हैं रेड पल्प की, तो रेड पल्प के अंदर हमारा क्या है, रेड पल्प के अंदर सबसे पहले तो क्योंकि वो रेड है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आरबीसीज प्रेजेंट है. उसके अलावा वहाँ पे कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट नहीं है बट कुछ अमाउंट में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, प्लस वहाँ पे साइनोसॉइड नेटवर्क, जितनी भी कैविटीज़ होती है उनका एक नेटवर्क प्रेजेंट है, साइनोसॉइड नेटवर्क प्रेजेंट है. और ये साइड जो रेड पल्प है वो बेसिकली काम करता है, मैंने बताया था ना आपको कि ये ग्रेवयार्ड और ऑफ आरबीसी है. तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन का जो फंक्शन है वो होता है. तो इट इज़ द साइट ऑफ आरबीसीज डिस्ट्रक्शन. आरबीसीज डिस्ट्रक्शन की जो साइट है, आरबीसीज जो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, रेड पल्प में. वेयर एज जो हमारा वाइट पल्प है, वाइट पल्प इज रिच इन लिम्फोसाइट्स. वाइट पल्प वाला रीजन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे WBCs ज़्यादा प्रेजेंट है, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. और जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है दैट मीन दिस रीजन इज टेकिंग पार्ट इन इम्यून रिस्पॉन्स. तो इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग पल्स, और पाल्स का मतलब है पेरी आर्टेरियल लिम्फोइड शीथ. तो ये एक लिम्फोइड शीथ बना देता है जहाँ पे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट है, जहाँ पे एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो रहा है और उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं. सो दिस वाज अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट स्प्लीन. अगर आप स्प्लीन का डायग्राम देखो सो यू कैन टेक अ लुक कि ये भी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है,
ठीक है, यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक आर्टरी जब आएगी तो फॉरेन एंटीजेंस को जो ब्लड के अंदर है वो लेकर आएगी, और जब ये ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होकर बाहर जाएगा तो इसके अंदर से एंटीजेंस जो है वो फिल्टर हो चुकी होंगी। देन यहाँ पे ये बड़े बड़े जो बीच में डिविजन है, दीज आर ट्रेबिकुला, जो कैविटीज बन रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स बन गए, दैट आर वैस्कुलर साइनोसॉइड, रेड पल्प वाला रीजन, और ये जो सेंटर में हमें नज़र आ रहा है ये है हमारा वाइट पल्प वाला रीजन। वाइट पल्प वाले रीजन में प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि जब एंटीजन एक्सपोजर होता है, जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है पेरी आर्टेरियोलर लिम्फेटिक शीथ। तो अगर आप ये देखो, यहाँ पे एक शीथ, एक लेयर बन रही होती है जहाँ पे सारे लिम्फोसाइट जो है वो एक्टिवेटेड है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जर्मिनल सेंटर। सो दिस वॉज अबाउट स्प्लीन, और स्प्लीन हमारे कहाँ पे होता है, हमारे लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। द नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। मॉल्ट जो है यहाँ पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं दीज आर लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसल साइट्स। हमारी जो सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। सब म्यूकोसा साइट के अंदर क्या क्या आ सकता है, इट इंक्लूड्स यहाँ पे हमारा आ सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हमारा आ सकता है नेजोफेरिंग्स रीजन, जो हमारा नेजल पैसेज है, नेजोफेरिंग्स रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आ सकता है थायराइड, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स, आईज, क्योंकि आईज में भी म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है, स्किन, स्किन के अंदर भी सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी की लाइनिंग में प्रेजेंट है, और अलग अलग ऑर्गन के बेसिस पे अलग अलग। तो बेसिकली हमें पता है कि म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है, अगर आपने इंटेस्टाइन का भी पढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी में, तो उसमें फोर लेयर्स होते हैं, इनर टू आर म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो वहाँ पे जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज या लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट है, या ऐसी जगह वहाँ पे जहाँ पे लिम्फोसाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, दे ऑल फॉर्म्स मॉल्ट। So, malt lining covers the digestive system, respiratory system, urogenital system, एक्सेट्रा। और यही वो साइट्स हैं जहाँ पे वो पैथोजन के साथ मैक्सिमम टाइम इंट्रैक्ट करेगा, या पैथोजन से मैक्सिमम टाइम्स वो एक्सपोज होगा। दीज टिश्यूज, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सेल्स कौन से मिलते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। तो दीज कंटेन्स वेरियस लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, बी सेल, टी सेल प्रेजेंट है, और उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो किस तरीके से एक्टिवेटेड होते हैं। तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू इन विच दे आर प्रेजेंट। तो मॉल्ट की अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखें, हम उसको बोल सकते हैं बॉल्ट। बॉल्ट हम कब बोलेंगे, जब वो प्रेजेंट होगा ब्रोंकस में, ठीक है। उसके अलावा उसको बोला जा सकता है लाल्ट, जब वो प्रेजेंट होगा लैरिंग्स में। उसके अलावा बोला जा सकता है गैल्ट, अगर ये प्रेजेंट है गट में। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कैल्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था आई में प्रेजेंट होता है। तो अगर कंजक्टिवा में जितने भी लिम्फोइड एसोसिएटेड टिश्यूज होंगे उनके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कैल्ट। उसके अलावा हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं नाल्ट, नाल्ट मतलब कि अगर ये हमारे नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। उसके अलावा हम साल्ट, डाल्ट, मतलब अलग अलग, जैसे ये साल्ट भी हो सकता है अगर ये हमारी स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। LDALT लैक्रिमल डक्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लैक्रिमल डक्ट होती है जो हमारी टियर ग्लैंड की डक्ट होती है, ठीक है, उसमें हो सकता है, किसी भी डक्ट में हो वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे हमारे इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिक्स भी होता है, पेयर्स पैचेस, तो ये वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एरिया हमारी बॉडी का कवर करते हैं। They have specific capacity to invade the antigens from the lumen of respiratory and urogenital tract. Due to these immune abilities or activities, antibodies are released immediately to fight against antigen. इसीलिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं वो फटाफट से रिलीज हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ऐसी एक जगह नहीं है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी हैं, जैसे हमने पढ़ा लिम्फ नोड, स्प्लीन, और उसके अलावा थ्रू आउट जो इनर लेयर है उसमें भी अलग अलग जगह पर एसोसिएटेड टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जहाँ पर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, कि जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट
होना स्टार्ट हो जाता है. सो सेक्रीशंस ऑफ माल्ट मेजरली कंजिस्ट ऑफ IgA एंटीबॉडी. तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे मेनली जो एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही है, वो कौन सी एंटीबॉडी है? IgA एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी. अगर आपने एंटीबॉडी की डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी करा होगा ना, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो टिश्यू स्पेसिफिक, जो लोकलाइज्ड होती है ना, जैसे एक स्पेसिफिक टिश्यू में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो IgA होती है. IgG और IgM ज़्यादातर सिरप में प्रेजेंट होती है, लेकिन स्पेसिफिक टिश्यू पे, मान लो हमारे गले में इन्फेक्शन हो गया, हमें कफ या कोल्ड है, तो उस टाइम पे जो हमारे थ्रोट में या टॉन्सिल्स के आसपास जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगी IgA. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, यहाँ पे हमारी सिक्रीटरी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. तो एट द एंड दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. और हम यही कह के एंड अप कर सकते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं उनको हम बैटल ग्राउंड्स बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में. और अगर हमने बात करी थी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, तो जब हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे मेनली बोन मैरो और थाइमस के बारे में पढ़ा था. तो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं, उसको हम सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी बोलते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स डेवलप हो रहे हैं या मच्योर हो रहे हैं, जहाँ पे इम्यून सेल्स बन रहे हैं. लेकिन वंस वो डेवलप हो जाएंगे, मच्योर हो जाएंगे, उसके बाद वो माइग्रेट होंगे, माइग्रेट होकर हमारी बॉडी के अलग अलग जगह पर वो लोकलाइज हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, और वो जो ऑर्गन्स होंगे वो हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड organs. So this was about the organs of immune system. I hope it was useful for you and you find it useful. And if you still have any doubt or any query, you can put your comment or send me an email. Thank you for watching.